नमस्कार दोस्तों, आपके अपने अर्थ एंड लीव चैनल पे मैं आर्किक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे जो कोलियस के कुछ प्लांट हैं जो बहुत ज़्यादा बल्जी हो गए, बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं वो, और उनकी शेप एकदम आउट ऑफ शेप हो गए हैं वो, तो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों, मैं उनकी हार्ड प्रूनिंग करने जाऊँगा और हार्ड प्रूनिंग के बाद मैं उनकी जो ब्रांचेज हैं, जो कटिंग है, उनका क्या इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। दोस्तों, जो इसकी हम प्रूनिंग करेंगे ना, प्रूनिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, एक हार्ड प्रूनिंग होती है। और सॉफ्ट प्रूनिंग तो हम हर महीने कर देते हैं, सिर्फ दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़ के बाकी किसी मंथ में आप कर सकते हो। बट जो हार्ड प्रूनिंग होती है वो फरवरी के महीने में करते हैं या फिर जुलाई में बरसात के स्टार्टिंग में करते हैं। बट ये क्योंकि कोलियस का प्लांट है और अभी इसके दो महीने बाकी हैं, दो महीने में दोबारा इसकी प्रोपगेशन हो जाएगी, इसमें दोबारा नए पत्ते फूट आएंगे, इसलिए मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगा आज। क्योंकि दो महीने के बाद दिसंबर एंड में और जनवरी तक ये चला जाता है, तो डोमिनेंसी के दौरान इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, खाली इसमें पानी देना होता है, उस टाइम खाद भी देना बेकार में होता है। तो आइए इसकी हम प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये काट दिया, ये कटिंग कर दी। जितनी भी इसकी बल्जी ब्रांचेज हैं, जो भी हम इस शेप को आउट कर रही हैं, हम वो सारी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इसमें कुछ ब्रांचेज का हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी कटिंग के रूप में उसको यूज़ करेंगे और उसको अभी आपके सामने पोट में लगा के दिखाऊंगा मैं, और कुछ को हमें वेस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, इसकी हो गई है पूरी। अब इसके मैं जो ये ब्रांचेज हैं इनको साइड में रख रहा हूँ। अब ये जो हमारी दूसरी टाइप की है, दूसरी जो इसमें हमारी वैरायटी है, अब मैं इसकी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास अभी दो महीने का टाइम है, ये हो जाएगी। अभी दोस्तों, गर्मी के सीज़न में पानी भी ज़्यादा मांगता है ये, और इसकी जो शेप है बहुत आउट हो गई है, काफ़ी बल्जी लगता है ये, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसको, ये देखिए, मैंने इसमें खाली एक ब्रांच छोड़ दिया ताकि देखने में ठीक लगे, बाकी सब मैंने काट दिया। ले लीजिए, इसी प्रकार से हम इसको काट देते हैं। तो इस तरह से हमने सारी इसकी हार्ड प्रूनिंग एक तरह से कर दी है। दोस्तों देखिए, अब मैं इसकी कटिंग को तैयार कर रहा हूँ और इसकी कटिंग को मैं पोट में लगाऊंगा। ये देखिए, हमारी कटिंग तैयार हो चुकी है। हमें इसमें एलोवेरा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोलियस का प्लांट इतना हार्डी प्लांट होता है, इसकी जो कटिंग होती है दोस्तों बड़ा इजीली लग जाता है और ये बड़ा इजीली प्रोपोगेट हो जाती है। देखिए, मैं इसको लगाता हूँ, ये मैंने एक तैयार कर दी है। ये देखिए, मैंने इसकी तीन कटिंग तैयार कर ली है और मैं कटिंग तैयार करूँगा और इसको आपके सामने मैं पोट्स के अंदर लगा रहा हूँ। ये देखिए, हमने नारियल के खोल के वो पोट्स तैयार कर लिए थे, उसमें इसको लगा रहे हैं। ये देखिए, मैंने लगा दिया। मिट्टी मैंने इसमें ऑलरेडी बना ली थी और इसमें सॉइल डाली और इसमें हल्का सा मैंने पानी भी डाला हुआ है, और बाकी इसमें वाटरिंग मैं अभी आपके सामने करूँगा। ये देखिए, मैंने इसमें सीधे लगा दिए और इसमें हल्की हल्की वाटरिंग कर देंगे। अब लगाने के बाद वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद इसको हम कम से कम 24 घंटे शैमी शेड एरिया में रखेंगे, जब सुबह की धूप इसको खाली एक घंटे की धूप लगे, और अदरवाइज़ इसको धूप लगे ही ना, तभी आपकी कटिंग कामयाब होगी, अदरवाइज़ कटिंग ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।